थ्रू विजडम, और उसको ढूंढें फिर उसको खाएं फिर पकाएं। I'm going to talk about cycle of life. Namaskar, good afternoon. Dr. Suresh from our doctor's service in Gurgaon. I'm going to talk about cervical cancer signs and symptoms. Cervical cancer mein क्या क्या तकलीफें दिखती हैं या फील होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। सर्वाइकल का मतलब सर्विक्स, सर्विक्स का मतलब बच्चेदानी का मुंह, जो डायलेट होता है, खुलता है जब बच्चा पैदा होना होता है तब। सर्वाइकल कैंसर की जो पहली कंप्लेंट अक्सर लोग बताते हैं वो है या तो छोटी छोटी स्पॉटिंग होती रहती है ब्लड की, ड्यूरिंग पीरियड्स मींस पूरे महीने के अंदर पीरियड्स हो जाते हैं मगर फिर भी ब्लीडिंग थोड़ी थोड़ी बीच बीच में होती रहती है, या पीरियड्स होके खत्म हो जाते हैं और एक दो दिन बाद फिर ब्लीडिंग होती है। दूसरी कॉमन कंप्लेंट होती है कि जब ब्लीडिंग होती है मेंसेस की, जो नॉर्मली 3 से 5 दिन होनी चाहिए, कुछ लोगों को 6-7 दिन भी होती है, पर नॉर्मली 3 से 5 दिन होनी चाहिए, लेकिन वो ब्लीडिंग अगर लंबी चले 10 दिन 12 दिन 15 दिन 9 दिन 8 दिन यूजुअल से ज्यादा दिन चले और ज्यादा ब्लीडिंग, तो वो भी सर्वाइकल कैंसर का साइन हो सकते हैं। वजाइना के अंदर को साफ करना, जिसको ब्रूशिंग होते हैं, लोग सिरिंज में नॉर्मल सेलाइन लेके साफ कर सकते हैं या पानी में सिरके का एक चम्मच डाल के उसको साफ कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ब्रूशिंग, यानी अच्छी तरह धो देना। इंटरकोर्स के बाद यानी संभोग के बाद या डूशिंग यानी के सफाई के बाद, या जब डॉक्टर पेल्विक अंदर का उंगली डाल के ग्लव्स के साथ एग्जामिनेशन करते हैं उसके बाद ब्लीडिंग हो जाना, ये भी एक साइन है कि सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। सबसे कॉमन एक और चीज है वो है कि वेजाइनल डिस्चार्ज होता रहता है। अब मैं ब्लड की बात नहीं कर रहा, अब मैं पानी की बात कर रहा हूँ, जो रेडिश भी हो सकता है लेकिन देखने में गंदा भी हो सकता है, ऐसे जैसे ही इन्फेक्टेड हो, थोड़ा बहुत दही की तरह भी हो सकता है। वो वजाइनल डिस्चार्ज अगर बार बार होता रहे और आपने 2-3 बार इलाज करा लिया लेकिन डिस्चार्ज जाता नहीं, तो भी थोरली एग्जामिनेशन करना पड़ता है। और पैप स्मीयर जिसको बोलते हैं सर्वाइकल स्मीयर करना पड़ता है, जो मैंने पहली बार भी बताया था कि कम से कम 3 साल में एक बार सबको होना जरूरी होता है, सब लेडीज को जिनको मैसेज आते हों और जिनको प्रेगनेंसी हो चुकी हो, होने के चांसेस हो या अभी प्रेगनेंसी की वेट कर रही है, उन सबको सर्वाइकल स्मीयर कराना चाहिए। और अक्सर वो 50, 55 या 60 साल की उम्र तक किया जाता है, हर 2-3 साल के बाद, अनलेस कोई डॉक्टर कहे कि आप में डाउटफुल सेल्स हैं। अगर डाउटफुल सेल्स हैं तो हो सकता है डॉक्टर ये भी बोले कि आप 6 महीने में एक बार करा लो या साल में एक बार करा लो। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, संभोग के दौरान अंदर दर्द होना भी, पेल्विस के अंदर दर्द होना भी एक लक्षण हो सकता है। जब मीनोपॉज हो जाता है, मीनोपॉज जब मेंसेस आने बंद हो जाते हैं 45-50 साल की उम्र में, कि जी डॉक्टर साहब 6 महीने हो गए हैं अब मुझे मेंसेस नहीं आते लेकिन अब मुझे ब्लीडिंग शुरू हो गई है, तो ब्लीडिंग आफ्टर मीनोपॉज हो तो भी सर्वाइकल कैंसर
ये यूट्राइन कैंसर के बारे में सोचा जा सकता है और दिखाना पड़ता है और दिखाना चाहिए ताकि देर ना हो जाए, देर हो जाए तो फिर बड़ा मुश्किल होता है ट्रीट करना और मौत भी जल्दी होती है और दुखदायक होती है। पेल्विस के अंदर यानी कि कुंडले के अंदर अगर दर्द अक्सर होती हो या लोअर बैक में दर्द अक्सर होती हो और कोई और कारण साफ नहीं दिखता तो भी सर्वाइकल कैंसर के लिए टेस्ट करना जरूरी है। बाकी चीज़ें भी टेस्ट करते हैं लेकिन सर्वाइकल कैंसर के लिए टेस्ट करना जरूरी है। ये 7 चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो सबको याद रखनी है। इसके लिए ऐसी फिल्म को बार बार देखो, समझो और अपने डॉक्टर से डिस्कस करो ताकि अगर ज़रूरत हो तो आपका चेकअप किया जाए। सबसे ज़रूरी तो है हर 2 से 3 साल में एक बार सर्वाइकल कैंसर का चेकअप होना चाहिए लगातार थ्रू आउट लाइफ। ऑलमोस्ट 20 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तक अगर कर सकें तो बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, शुक्रिया, फिर मिलेंगे।